हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे जो 23 जुलाई को केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25, तो ये मतलब इसमें क्या क्या प्रावधान है, मतलब क्या क्या किया गया है, किस क्षेत्र को कितना मिला है, तो उसके बारे में हम जानेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो अब हम बात करते हैं जो केंद्रीय बजट है ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो यूनियन बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला पॉइंट ये बनता है, मान लो प्रश्न ये आता है कि केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। अभी जो फिलहाल की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी, तो ये हैं। और ये जो रेड बैग है, ये मतलब इसका जो सिंबल है, जो केंद्रीय बजट का सिंबल है, तो वो रेड बैग है फिलहाल। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, आप देख रहे हैं ये। और इन्होंने अभी मतलब 23 जुलाई 2024 को संसद में 24-25 का बजट पेश किया है। तो कब किया है, तो यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 का बजट कब पेश किया गया। तो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। तो एक यहाँ पॉइंट ये भी बनता है, जो निर्मला सीतारमण है करंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है, तो एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। तो यहाँ देखो दो प्रश्न बनते हैं कि लगातार 7 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 7 बार लगातार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत किया, और ये एक नया रिकॉर्ड है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इससे पहले मोरारजी देसाई थे, इन्होंने लगातार मोरारजी देसाई, तो आप ये जो इमेज है ये मोरारजी देसाई की है, ये पीएम भी रह चुके हैं, और इन्होंने लगातार मतलब 6 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई जी ने, और 7 बार किन्होंने किया है, सीतारमण जी ने। तो आप ये देख रहे हैं ये सीतारमण है और ये मोरारजी देसाई है, इन्होंने 6 बार यहाँ हम लिख देते हैं 6 बार बजट प्रस्तुत किया था इन्होंने, 7वीं बार अभी ये हैं फिलहाल। आगे और करेंगे नहीं करेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल में 7 बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ मैंने 2-3 प्रश्न रखे हैं, तो इससे आपको क्लियरिटी आएगी, इसलिए रखे हैं। और आगे फिर थ्योरी है। अगर पहले देखो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, तो लाइक ज़रूर करें। तो प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पीएम मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। तो आपको ये पता है निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। तो और यहाँ ये भी है लगातार, आप ये चीज क्योंकि ये प्रश्न जरूर बनेगा कि लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का नाम क्या है। तो ये इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है लगातार, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी। और ये भी पूछा जा सकता है कि अब फिलहाल का जो बजट पेश किया गया है वो कौन सी बार का था। तो ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लो 6ठा, 5वां और 8वां, तो आपको बताना है 7वीं बार का है ये। तो अगला है हमारा,
हाल ही में केंद्रीय बजट थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। तो ये हम ब्लू ले लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 में कब पेश किया गया? 2024 का जो संसद में बजट है वो कब पेश किया गया? अभी फिलहाल तो 1 जुलाई को, 12 फरवरी को, 13 जुलाई को। इसका जो राइट आंसर है वो है 23 जुलाई को। ये अभी मतलब आज 24 है, तो आज 24 है तो ये कल प्रस्तुत किया गया है 2024 को, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अब है हमारा, अब देखिए, तो यहाँ हमने थोड़ा ये देखा था कि जो बजट है, जब एक प्रश्न यहाँ ये भी आता है, जब चुनावी मतलब साल होता है, चुनावी साल होता है तो बजट दो बार प्रस्तुत किया जाता है। जब जैसे अभी हमारे फिलहाल चुनाव हुए थे इस साल, तो 2024 में चुनाव हुए हैं, तो इस साल बजट दो बार पेश किया जाएगा। तो पहला 1 फरवरी को पेश किया गया था, जो चुनाव से पहले था, जो पहली गवर्नमेंट थी उसको अंतरिम बजट बोलते हैं। और अब जो 23 जुलाई को जो बजट पेश किया गया है वो हमारा अभी का ये था कि ये मुख्य बजट था, तो आप आगे हम थोड़ा जानेंगे। मैंने अभी एक ओवरव्यू दिया है आपको, तो यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सामान्य बजट है, ये जो सामान्य बजट है, आमतौर पर हर साल एक बार, मतलब हर साल में एक बार फरवरी के पहले सप्ताह में इस बजट को पेश किया जाता है। यह बजट वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जो 1 अप्रैल से 31, जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। और ये हर साल मतलब हर साल एक बार ही पेश किया जाता है, जो सामान्य बजट है, फरवरी के पहले सप्ताह में। अब हम बात करते हैं जो चुनावी वर्ष होता है उसके बारे में। चुनावी वर्ष में तो बजट पेश करने की कुछ विशेषता है। आमतौर पर चुनावी वर्ष में एक अंतरिम, देखो पहले मैंने बताया था कि अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह बजट उस समय पेश किया जाता है जब आम चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी होती है, लेकिन नई सरकार का गठन नहीं, जो मतलब नई सरकार का गठन नहीं हुआ था, जो पहली ही सरकार रहती है, सरकार, तो वही इसको मतलब पेश करती है। अब जैसे मान लो अभी पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, मान लो बीजेपी के बाद कोई और गवर्नमेंट आती तो वो मुख्य बजट को पेश करती। अब जैसे पहले पहले वाला बजट है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, अब जो मुख्य बजट आया वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो आप इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मान लो जैसे इसके बाद कांग्रेस आ जाती या पहले कांग्रेस होती, तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं, देखो मुख्य बजट, अब हम बात करते हैं मुख्य बजट की। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि मान लो हमारे पहले कोई सरकार थी और अब नई सरकार बनी है, तो वो बजट पेश करते हैं उस तरह से। तो नई सरकार बनती है तो वह अपना मुख्य बजट पेश करते हैं। तो देख लो वही चीज आ गई ना, ये मुख्य बजट नई सरकार बनने के बाद वो अपना एक अलग नया बजट पेश करते हैं, जिसमें नई नीतियां रहती हैं, योजनाएं शामिल रहती हैं। तो इसलिए चुनावी जो वर्ष होता है उसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि चुनावी वर्ष में जो बजट है वो कितनी बार पेश किया जाता है। चुनावी वर्ष में बजट कितनी बार, तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 2 बार। तो 2 बार ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन वैसे नॉर्मल में एक बार बजट पेश किया जाता है, चुनावी ईयर में 2 बार बजट पेश किया जाता है। तो अब हम जब बात करते हैं जो बजट की 9 प्रमुखता हैं, जो अभी बजट पेश किया है उसकी 9 प्रमुखता हैं। तो पहली है हमारी कृषि में उत्पाद और सहनशीलता को बढ़ावा देना, दूसरी है रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना, और तीसरी है मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसको मतलब प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड कराना, और चौथा जो है
वो है विनिर्माण और सेवाओं को मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट करना और सेवाएं पूर्ण रूप से देना, और पांचवा है एमएसएमई को बढ़ावा देना। तो जो एमएसएमई है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इंटरप्राइज। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। तो आप ये भी पूछ लिया जाता है कि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, तो एमएसएमई को बढ़ावा देना है। और छठी है शहरी विकास को भी बढ़ावा देना है और ऊर्जा सुरक्षा मतलब बढ़ाना है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है और बुनियादी ढांचा को मतलब अच्छे से तैयार करना है। नौवां है नवाचार और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। तो ये जो है नौ मुख्य जो नौ है नौ मुख्य प्राथमिकता है ये जो यूनियन बजट है 2024 का, तो इसकी नौ मुख्य प्राथमिकता है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे यहाँ प्रश्न है, इसके बाद भी हमारी थ्योरी आएगी। तो मैंने प्रश्न इसलिए रखे हैं कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये हमारा प्रश्न है, बजट 2024-25 में कुल व्यय क्या अनुमानित है। तो हमारे ऑप्शन है 47.66 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 47.66 करोड़। तो इसको हम 48 लाख करोड़ भी बोल मतलब ऑप्शन में कभी कभार 48 लाख करोड़ भी दिया होगा, तो आपको राइट आंसर में 48 लाख करोड़ लगाना होगा, करोड़ रुपए लगाना होगा। तो ये राइट आंसर है, फिलहाल हमारा इतना है 47.66 लाख करोड़ रुपए, और ऑप्शन में आपको 48 दिया हो तो आप 48 लगा सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि बजट 2024 में किस क्षेत्र को व्यव का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, जो व्यव का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिलेगा, तो रक्षा को, बुनियादी ढांचा को या ब्याज भुगतान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्याज भुगतान। तो इसको मतलब व्यव का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा ब्याज भुगतान को, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब है हमारा ये अगला प्रश्न है, तो वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा अनुमान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्या है, जो जीडीपी का राजकोषीय घाटा है अनुमानित में वो कितना है। तो ऑप्शन है हमारे 4.4 ये नहीं है, और 5.3 ये राइट आंसर है। तो जो अनुमानित घाटा है वो 3.5% प्रतिशत के रूप में है, 3.5% के रूप में है। और अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में क्या प्रतिशत की वृद्धि है, जो पूंजीगत व्यय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, अभी जो 24-25 का जो पूंजीगत व्यय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन है हमारे 1.5 और बी है 3.3। तो ये राइट आंसर है हमारा, अभी जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है वो ही है, 3.3% की वृद्धि हुई है अभी। तो अगला है हमारा, तो अगला ये है, स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट किसने पेश किया था, जो स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट था वो किसने पेश किया था। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजा जी, सी है हमारा आर के षणमुखम चेट्टी। तो इन्होंने ही जो पहला स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट था इन्होंने ही इसको पेश किया था, तो सी इसका राइट आंसर है, आर के सन्मुखम चेट्टी। तो ये राइट आंसर है हमारा। तो अब हमारे यहाँ पे पॉइंट है, जो ये बजट जो अभी पास हुआ है 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये इन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। मैं इन पॉइंटों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, मैं बोलूंगा तो आपके मतलब आप सुनाएंगे तो याद रहने की क्षमता ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ। तो बजट की जो मुख्य विशेषताएं, थोड़ा हम इन पर प्रकाश डालते हैं। जो पांच योजना है
5 वर्षों के लिए युवाओं के लिए मतलब 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान देना है, मतलब जो 5 वर्ष में 5 योजनाओं पर 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान देना है, और इसकी जो आय है वो 2 लाख करोड़ रुपए है, मतलब इनको 2 लाख करोड़ रुपए का धन प्रोवाइड कराना है, मतलब युवाओं के लिए इतना खर्च करना है 2 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा हमारा पॉइंट है 5 वर्षों में जो मतलब प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, शीर्ष कंपनियां हैं, तो उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की योजना दी जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो और तीसरा हमारा पॉइंट है, पहली बार कर्मचारियों के लिए 1 महीने का वेतन समर्थन सहित रोजगार में जुड़े प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है MSME, तो हमने ऊपर इसकी फुल फॉर्म बताई थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मशीन खरीद के लिए क्रेडिट गारंटी की योजना, टर्म और लोन की प्रौद्योगिकी में सहायता। और पांचवा पॉइंट है हमारा, MSME के समूह के लिए 24 नई शाखाएं खोलने का प्रावधान भी है। और जो मुद्रा ऋण है, मुद्रा ऋण सीमा से वृद्धि की गई है, पहले 10 लाख था ये, अब ये 20 लाख कर दिया गया है। और जो उच्च शिक्षा ऋण की वित्तीय सहायता है, ये इसमें 10 लाख रुपए तक दी जाएगी, 10 लाख तक शिक्षा के लिए लोन दिया जा सकता है। और ग्रामीण विकास का प्रावधान रखा है, और इसको 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो ग्रामीण विकास प्रावधान है, इसको 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और हमारा नौवां है, ये एक विशेष पॉइंट है क्योंकि अभी इन्हीं की वजह से सरकार बनी है, तो विशेष वित्तीय समर्थन आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो वहाँ के सीएम हैं, तो इनको 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो एपी को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास के लिए। और बिहार, जो बिहार के सीएम हैं वो हैं नीतीश कुमार। इसमें जो नई हवाई अड्डों की व्यवस्था मतलब बनाए जाएंगे, और अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, और खेल आवश्यकता मतलब जैसे स्टेडियम वगैरह, इन पर ध्यान दिया जाएगा और बढ़ाए जाएंगे ये। और जो मुद्रा स्फीति है, उसमें 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। और हमारा 12वां पॉइंट है, ऊपर महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का मतलब महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ का आवंटित किया गया है। तो अगला है हमारा, तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि देखो, ये अभी हमने पढ़ा था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो मुख्य विशेष पॉइंट है, अगर आप दोबारा देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं, तो आप लाइक जरूर करके जाएं। तो ये है हमारा, भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है, जो भारत की जीडीपी वृद्धि, तो हमारे ऑप्शन है 6.5 से लेके 7 तक, 8 से लेके 9 तक, और 4 से लेके 5 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 से लेकर 5 तक, % तक। तो इतना मतलब वृद्धि का अनुमान है इसमें। तो और ये हमारा अगला प्रश्न है, तो शहरी अवसंरचना विकास कोष के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो जो शहरी अवसंरचना के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो ऑप्शन ए है 5,000 करोड़, बी है 10,000 करोड़। तो ये हमारा राइट आंसर है, तो 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, शहरी अवसंरचना विकास के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो अगला है हमारा, तो ये एक हमारा पॉइंट है, इसमें जो नए कर स्लैब आए हैं, तो जो मतलब आयकर स्लैब है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है ये।
जिनकी आय मतलब 0 से लेकर 3 लाख है उन पर कोई भी मतलब कर नहीं लगेगा, मतलब 0% कर रहेगा जो निल रहेगा, मतलब निल कह सकते हैं जिनकी आय। यहाँ हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर। तो जिनकी आय 0 से 3 लाख तक है उनको मतलब शून्य कर लगेगा, और जिनकी आय 3 लाख से 7 लाख है उन पर 5% का कर लगेगा, और जिनकी आय 7 से 10 लाख रुपए है, मतलब ये साल की आय का बात हो रहा है, जिनकी आय साल साल में 7 से 10 लाख है उन पर 10% का कर लगेगा, और जिनकी आय 10 से 12 लाख रुपए है मतलब साल की उन पर 12% का कर लगेगा, और जिनकी आय 12 से 15 लाख रुपए है उन पर 20% का कर लगेगा, और ये 15 लाख से ऊपर हैं उन पर मतलब 15 लाख से कितना भी ऊपर हो, 15 लाख प्लस कितना भी हो उन पर 30% का कर लगेगा। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लो किसी के आए जी मान लो बोले कि किसी के आए है 1.5 लाख रुपए पर ईयर, और उस पर कर लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन में दिया जा सकता है, इस तरह के प्रश्न बने जा सकते हैं। तो आपको आप आपने यहाँ अच्छे से देख लिया तो आप ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो बजट में किस पर जोर दिया गया, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, किसी को मतलब जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। बजट में किस पर जोर दिया गया है, तो औद्योगिक पर, कृषि पर, शिक्षा पर, टिकाऊ शहरी विकास पर, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको कमेंट में आंसर बताना है, इसको कमेंट में इसका आंसर बताना है, और एक लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू।